दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर है तो आपको सेफ मोड के बारे में जरूर पता होगा, लेकिन ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आप एंड्रॉयड मोबाइल में सेफ मोड को किस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरह चालू कर सकते हैं और किस तरह डीएक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरह इसे बंद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में, किसी भी कंपनी के स्मार्टफोन में आसानी से सेफ मोड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में सेफ मोड को एक्टिवेट करना बहुत ही आसान है और इसे बंद करना भी बहुत आसान है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता कि आखिर में ये सेफ मोड होता क्या है एंड्रॉयड मोबाइल में, इसका बेसिकली क्या यूज है, इसे यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, तो इस पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि ये सेफ मोड क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में सेफ मोड को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हर मोबाइल का जो की कॉम्बिनेशन होता है काफी हद तक अलग अलग होता है और कुछ मोबाइल में सेफ मोड को एक्टिवेट करने का जो तरीका होता है वो सेम होता है। तो ऐसे में अगर मैं आपको सिर्फ अपने मोबाइल में सेफ मोड को एक्टिवेट करके दिखाऊंगा तो आप बोलोगे कि आपके मोबाइल में जो सेफ मोड है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। तो जो स्टेप्स मैंने फॉलो करे थे अपने मोबाइल में सेफ मोड को एक्टिवेट करने के लिए और डीएक्टिवेट करने के लिए, वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं और आप वही तरीके को फॉलो करके डेफिनेटली अपने एंड्रॉइड मोबाइल में या फिर किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल में सेफ मोड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं, किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल में सेफ मोड को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एक्टिवेट सेफ मोड और उसके बाद ऑन टाइप करना, और यहाँ पर आपको अपने फ़ोन का मॉडल सर्च करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मेरे फ़ोन का मॉडल है सैमसंग ऑन 7। तो यहाँ पर आपके फ़ोन का जो भी मॉडल है वो आपको इस जगह पर डालना है और सिंपली सर्च पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे लिंक मिलेंगे, तो आपको सिंपली पहले और दूसरे लिंक को ओपन करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली पहले लिंक को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मोबाइल में यानी इस मॉडल में सेफ मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। ध्यान रहे, हर मोबाइल में सेफ मोड को एक्टिवेट करने का अलग अलग तरीका होता है। तो चलिए हम यही स्टेप्स फॉलो करते हैं अपने मोबाइल में सेफ मोड को एक्टिवेट करने के लिए। तो अपने मोबाइल में सेफ मोड को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको वेबसाइट पे जो भी सेफ मोड का स्टेप्स बताया गया था वही आपको फॉलो करना है। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में सेफ मोड एक्टिवेट नहीं है, तो जो स्टेप्स मुझे बताया गया था वही स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे कहा गया था पावर ऑफ करने के लिए, तो मैं सिंपली अपने मोबाइल को टर्न ऑफ कर देता हूँ यानी बंद कर देता हूँ। उसके बाद मुझे कहा गया था जैसे ही मोबाइल टर्न ऑफ यानी बंद हो जाए तो आपको अपने मोबाइल का जो पावर बटन है वो दबाए रखना है जब तक स्क्रीन ऑन ना हो जाए। तो जैसे स्क्रीन ऑन हो जाए तो आपको वॉल्यूम डाउन बटन दबाए रखना है। ये सारे स्टेप्स मुझे वेबसाइट में बताया गया था, वही स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये मैंने पावर डाउन का जो बटन है वो दबाए रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर हमारे मोबाइल में सेफ मोड एक्टिवेट हो चुका है। तो इस तरह आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में सेम यही स्टेप्स फॉलो करके सेफ मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सेफ मोड को किस तरह बंद करें, इस सेफ मोड को किस तरह हटाएं, तो इसके लिए आपको सेम वहीं पर स्टेप्स फॉलो करने हैं। डीएक्टिवेट सेफ मोड ऑन और आपके मोबाइल का जो भी फ़ोन नंबर है तो वहाँ पर आपको जो भी स्टेप्स देंगे वो आपको फॉलो करने होंगे, तो आपके मोबाइल में जो सेफ मोड है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। तो हर मोबाइल में जो ज़्यादातर मोबाइल में सेफ मोड डीएक्टिवेट करने का तरीका होता है उसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना होता है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करेंगे तो आपके मोबाइल में सेफ मोड ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल में सेफ मोड डीएक्टिवेट हो चुका है। तो इस तरह आप सेफ मोड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में या फिर किसी भी कंपनी के स्मार्टफोन में आसानी से सेफ मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, मन में कुछ सवाल तो नीचे कमेंट करें, और अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोज पसंद है और आप इस तरह के वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोज की जानकारी सबसे पहले पा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।